हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ्स लेसन नंबर 21। लेट्स अनटाई अ 10 इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट। हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमको 10 को अनटाई करना है, यानी 10 के बिट्स को खोल के अलग से रखना है। ये जो टाइल्स का 10 का एक है बिल्डिंग बनी हुई है, उसको हमको एक 10 को निकाल के इस बाजू लेकर आना है। ठीक है, जैसे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड 54 माइनस 19। अभी हमको क्या करना है, ये जो 1 2 3 4 5 है, वो 5 को हमको क्या करना है, इसमें से एक 10 को निकाल के ये जो 4 सिंगल जो टाइल्स है उसके अंदर ऐड करना है सिंगल सिंगल करके। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किए, सिंगल सिंगल करके इधर 4 लेकर आए, 1 2 3 4। इसमें से हमने एक निकाल के यहाँ रख दिए, कहाँ रखे, एक यहाँ। तो टोटल इधर 4 थे और हमने 10 को सिंगल किए, तो इधर कितने हो गए टोटल, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 हो गए। अभी हमको क्या है, 54 था, हमको उसमें माइनस करना है 9। अभी इधर क्या है, 19 है ना, यानी पहले 9 माइनस करना है हमको सिंगल में से। तो ये जो सिंगल है इसमें से हमको 9 माइनस करना है। 9 के लिए हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने कट कर दिए, बच गया क्या हमारे पास रिमेनिंग, कितने टाइल्स बचे, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हमारा इधर है 4, 4 में से 1 हमको कट करना है, यानी ये हमारा कितना है, 4 बिल्डिंग्स हैं और इधर 1 है इधर, इसलिए हमने 9 यूनिट में से निकाल दिया, 1 अभी 10 है, तो 1 10 हम ये कट कर देंगे, तो हमारे पास कितने रिमेनिंग हो गए, 3 3 एंड 5। ये हमको रीग्रुप करना है, रीग्रुप ने मैंने बताया आपको यहाँ 5 थे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले 4 लिख देंगे, और यहाँ 4 है, और ये जो 1 वाला है, ये 1 10 का जो एक बिल्डिंग है, ये 10 बिल्डिंग का जो टाइल्स है, एक एक को हमको क्या करना है, हमको अलग कर देना है। अलग करने के बाद उसमें से हमको जो दूसरा नंबर है 9, उसमें से हमको माइनस करना है, माइनस करके हमारे पास आंसर जो बच गया है कट करना है, कितने रिमेनिंग है वो यहाँ लिखना है। उसके बाद है हमारा 1, तो 1 यहाँ से 1 10 कट करना है, तो हमारे पास कितने बच गए हैं बिल्डिंग, 3। अंडरस्टूड, तो उसी तरह हमको इसी को इधर भी करना है, जैसे हमने बॉक्स बनाए थे। तो ये हो गया हमारा 54 और ये हो गया 1 9 19। जिस तरह हमने ये क्या था, 4 कट कर दिए, पहले सबसे पहले हमको दोनों चीज़ को कट करना है, क्योंकि ये जो स्मॉलर नंबर है किससे, इससे, तो इसलिए हमने बाजू वाला जो नंबर है, जो नेबर वाला नंबर है, उससे 1 बोरो करते हैं हम। 1 बोरो करने के बाद, 1 बोरो होने के बाद, यानी 1 10 हम बोरो करते हैं, तो 10 इधर क्या हो जाएगा, 1 लिख देंगे, तो ये 1 4 क्या हो जाएगा, 14। ये 4 का क्या हो जाएगा, 14। और यहाँ से 1 10 निकाल लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, तो क्या हो गया, इधर क्या बचेगा, 4। तो 4 एंड 14, तो 14 में से 9 माइनस हुआ तो 5, एंड 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3। अंडरस्टूड, इसी तरह आगे के भी सम्स हैं हमारे, आपको यही सम करना है। तो इसमें भी हमको वही करना है कि ये हमको बोरो का तरीका आता है, कि हम किस तरह 1 ले लेते हैं और 1 बोरो करते हैं, बोरो यानी हम ले लेते हैं उनसे और उनके पास से 1 कम कर देते हैं। तो बाजू में से हमने 1 बोरो किए, तो ये 2 का यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 जो बोरो, हमेशा 1 ही बोरो होता है, 2 3 वो नंबर ये बोरो कभी नहीं होना, सिर्फ हमको एक ही लेना है। तो एक लेने के बाद, 1 नंबर लेने के बाद, जो भी नंबर है उसके पहले लिख देंगे, यानी 1 2 12 हो जाएगा। अगर 3 होगा तो 1 3 13 हो जाएगा, जैसे इधर 1 3 13 है, यहाँ 5 है तो 1 5 15 हो गया, यहाँ 0 है तो 1 0 10 हो गया। लेकिन और यहाँ से 1 लेने के बाद इसके नंबर 7 में से 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ होता है 6, यहाँ से भी हमने 6 माइनस किए, सॉरी 1 माइनस किए, तो हम जो भी नंबर होगा उसमें से ये 1 ले लेंगे, तो 1 के बाद इसके पास कितना बचेगा, 6, उसका बिफोर नंबर, यानी 7 से पहले 6, ये हो गया 6। 12 माइनस 9, 9 के बाद से 12 तक काउंट करेंगे, 10 11 एंड 12, तो कितना आया, 3, और यहाँ 6 है और इसके नीचे कुछ नंबर नहीं है, इसलिए हमारा इधर आएगा 63।
ये हो गया 13, 13 माइनस 8, 8 के बाद से हम नंबर काउंट करेंगे 13 तक, 9, 10, 11, 12 एंड 13, तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 6, 6 को माइनस 6 इधर, यहाँ कोई नंबर नहीं। यहाँ देखिए नंबर है, यहाँ आ गया 15, यानी बाजू में से 1 बोरो कर दिया हमने, बताया आपको जैसे इधर 6 है तो 15 माइनस 7 हो गया, 7 के बाद से काउंट करेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 8 आया नंबर्स हमारा, 8 है, 6 माइनस 3 है, 3 के बाद से काउंट करेंगे 4, 5 एंड 6, तो कितने फिंगर्स है 3, कितने फिंगर्स है 3, तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, उसी तरह ये हो गया 5, 10 हो गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था बाजू में से हमने 1 बोरो किया है नेबर वाले नंबर से, तो 10 हो गया, 10 में से 2, 2 के बाद से हम काउंट करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 8 आया, फिंगर्स कितनी आई हमारे पास 8। अब ये 5 है, 5 में से 1 बोरो करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 4। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके।